संघ प्रदेश सिलवासा में शनिवार को सिलवासा के डोकमर्डी स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सरकारी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कॉलेज में पहली बार यह शिविर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सिलवासा के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रोफेसर एवं विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लेते हुए स्वैच्छिक रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, विद्यार्थी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। शिविर में 150 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। उल्लेखनीय है कि सिलवासा स्थित सरकारी कॉलेज में समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिससे कॉलेज के विद्यार्थी जहां पढ़ाई एवं खेलकूद के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, वहीं इस प्रकार के समाज सेवी कार्य में भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। रक्तदान महादान होता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में यह शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रोफेसर एवं विद्यार्थियों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। इस शिविर में कुल 32 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र रोहित की अध्यक्षता में NSS यूनिट एवं रेड क्रॉस के संयुक्त तत्वाधान में यह शिविर आयोजित किया गया। इस बारे में डॉक्टर राजेंद्र रोहित ने बताया कि कॉलेज में पहली बार यह शिविर आयोजित किया गया और भविष्य में यह शिविर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों में रक्तदान को लेकर कम जागरूकता देखी गई, जिसके लिए आगामी दिनों में इस प्रकार के शिविर में भाग लेने एवं रक्तदान करने के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना की एक इकाई जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज में चल रही है, उसके तत्वाधान में हमने रक्तदान शिविर रखा है, जिसमें डॉक्टर कलाम कॉलेज के छात्र छात्राएं और एम्प्लॉयर प्रोफेसर सभी मिलके करीब 150 या 160 तक लोग डोनेट करने के, पूरा जांच वगैरह चल रही है, लोग कर रहे हैं और दे रहे हैं। करीब 2 बजे तक ये शिविर चलेगा। और ये रक्तदान शिविर हमने इसलिए आरंभ रखा है कि हमारी बहुत ये पुरानी कल्चर रही है, राजा सीवी से लेके बहुत से शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने भी शल्य चिकित्सा और ये आयुर्वेदिक परंपरा में भी ये रहा है, दान की प्रक्रिया सतत रही है। और ये जो मॉडर्न साइंस और जो हॉस्पिटल में आज बहुत ज़्यादा ये रक्त की आवश्यकता होती है, तो हमारे छात्रों ने आगे से ये कदम उठाया है कि हम रक्तदान करेंगे, जिससे हमारे एक रक्त की बूंद से किसी की जान बचे और जब भी जरूरत पड़ेगी, इस डोनेशन के अलावा भी, तो कॉलेज का NSS इकाई के अलावा पूरा कॉलेज परिवार इसके लिए कटिबद्ध रहेगा।